सो फाइनली दोस्तों पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट हो गई। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 अभी आई नहीं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन ने कर दिया बड़ा ऐलान। भैया पुष्पा 2 के बाद आएगी पुष्पा 3, लेकिन कब आएगी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर लेकर आऊं मैं, और ये अफवाह नहीं है मेरे भाइयों, सच्ची खबर लेकर आता हूं मैं। पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, एंड पुष्पा जो फ्रेंचाइजी है दोस्तों अभी आगे और बढ़ेगी। इसका ऐलान अल्लू अर्जुन ने खुद किया है। कहाँ किया है, सब कुछ लेकर आऊं। सारा पुष्पा 2 अभी आई नहीं है और पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। भैया बॉलीवुड हिल जाएगा इस फैसले से। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, बहुत बड़ी बड़ी खबर लेके आऊं। लाइक कमेंट करना इसी बात पे, और अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो प्यार दे दो भैया, हमें प्यार दो, प्यार दो मतलब सब्सक्राइब कर दो यार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा नाम सुन के आपको पता क्या याद आता होगा, पुष्पा झुकेगा निशाला। मतलब ये डायलॉग भैया बच्चे बच्चे को पता है। और अल्लू अर्जुन की ये ऐसी फिल्म थी जो एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। और एक अल्लू अर्जुन, ऑफ कोर्स इससे पहले भी यार अल्लू अर्जुन की एक्टिंग पे हम सब फिदा थे। और अल्लू अर्जुन दोस्तों बहुत सारी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर रही है, बहुत सारी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की है, उनकी फिल्में पसंद आती थी। लेकिन यार पुष्पा ने जो रिकॉर्ड कायम किया, पुष्पा फिल्म जब आई थी मुझे लगा था कि भाई ये फिल्म इतनी चलेगी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पुष्पा एक नई कंसेप्ट, एक नई स्टोरी, एक नया स्क्रीन प्ले लेकर आई। कोविड का टाइम था, 250 करोड़ की ह्यूज बजट की फिल्म थी, एंड 373 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने ना नॉर्थ के अंदर लोगों के दिलों में प्यार भर दिया अल्लू अर्जुन के लिए। हालांकि अल्लू अर्जुन का स्वैग, उनके स्टाइल बहुत ही यूनिक है। आपको बता दूं कि सजादा फिल्म थी आई थी ना कार्तिक आर्यन की, वो भी रीमेक थी अल्लू अर्जुन की। हालांकि सजादा फ्लॉप चली गई, कार्तिक आर्यन सही से कॉपी नहीं कर पाए, जी हाँ अल्लू अर्जुन की यानी कि पुष्पा की। लेकिन दोस्तों अभी हाल में मैंने एक न्यूज़ बताई थी कि भैया हमारे क्या बोलते हैं अर्जुन कपूर जो सस्ती कॉपी लग रहे पुष्पा की। जी हाँ, एक बहुत बड़ी चाल फिल्म मेकर की। और आपको बता दूं कि वो सस्ती कॉपी इसलिए कहूँगा क्योंकि हूबहू लुक पूरा कॉपी कर रखा है यार, ओरिजिनल वर्सेस सस्ता कॉपी। जी हाँ। सो वेल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुष्पा 3 के अनाउंसमेंट की। तो भैया पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट दोस्तों द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अल्लू अर्जुन ने खुद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में ही बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और उस आयोजन में अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा द राइज थी दोस्तों वो स्क्रीनिंग की गई, स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। और उस स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भाई साहब अल्लू अर्जुन ने बोला कि पुष्पा 2 ऑफकोर्स एक बहुत ही यूनिक फिल्म होने वाली है, जिसपे अभी भी काम चल रहा है। 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 आ जाएगी, एंड पुष्पा 2 पर डिपेंड है पुष्पा 3। उन्होंने ये भी कहा है पुष्पा 1 में आपने केमिस्ट्री, कैरेक्टर की केमिस्ट्री देखी, पुष्पा राइज के अंदर आपने एक ऐसे बंदे की कहानी देखी जो ड्राइवर लॉरी से होते होते स्मगलर की दुनिया में सैंडलवुड के अंदर पहुंचा और अपना एक सिंडिकेट बनाया। उसके बाद दोस्तों वो एक रीजनल बेसिस पे था, लेकिन पुष्पा 2 जो होने वाली है फवाद फाजिल एंड अल्लू अर्जुन के बीच का जो टकराव है, यानी कि दोस्तों आपने पुष्पा देखी होगी जब लास्ट सीन में शादी के दौरान जब भंवर सिंह शेखावत बोले तो वो पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है ना। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब वो तो अभी बदला लेगा पुष्पा 2 में। पुष्पा 2 जो है ना भाई, अब एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बन चुका है हमारे पुष्पा का। और पुष्पा जो है पुष्पा 2 के अंदर भाई साहब एक रीजनल बेसिस से हटकर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में छा जाएगा। एक स्मगलर, बड़ा डॉन बन गया भैया पुष्पा। और आपको बता दूं कि पुष्पा फ्रेंचाइजी आगे बहुत चलेगी। अल्लू अर्जुन ने बोला है कि वी एक्सपेक्ट कि पुष्पा 3 आएगी, जरूर आएगी। एंड जनता का प्यार मिला पुष्पा 2 को तो पुष्पा 3 को मिलेगी। भैया पुष्पा 2 के अंदर ऑफकोर्स जो होने वाला है, हम सबको पता है कि भाई एक्शन ही एक्शन है। इसका टीजर आया था, टीजर ने लोगों को बहुत प्यार दिया, और उसमें जो लुक था भाई अल्लू अर्जुन का, लेडी वाला लुक, एक जिसको लोग किन्नर वाला लुक बोल रहे थे, या हाथों में नैन पॉलिश, बेसिकली दोस्तों वो एक लुक, एक ट्रेडिशनल है वहाँ आंध्र प्रदेश का, जो साउथ में एक ट्रेडिशनल है उसको फॉलो किया है अल्लू अर्जुन ने। और आपको बता दूं कि पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 कब आएगी, तो भाई लोगों पुष्पा 3 जो है ना वो 2025 में ही आ जाएगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा। भैया पुष्पा फिल्म 2021 में आई थी, लेकिन पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 को आ रही है। क्लैश विथ सिंघम अगेन, जी हाँ, मतलब एक तरफ पुष्पा की बड़ी फ्रेंचाइजी, एक तरफ सिंघम की फ्रेंचाइजी। दोस्तों दोनों ही फिल्में, चाहे बात करूँ सिंघम 3 की
चाहे बात करूँ पुष्पा टू की, दोनों ही फिल्में दोस्तों मुझे लगता है कि सपोर्ट तो दोनों को ही करूँगा मैं, क्योंकि दोनों ही मेरे प्रिय फिल्म है, मेरे दिल के करीब है। और ऑफ कोर्स एक तरफ अजय देवगन मेरे फेवरेट और एक तरफ अल्लू अर्जुन, सो डेफिनेटली दोनों मूवी का रिव्यू करेंगे, रिएक्शन लेकर आऊँगा ऑन ग्राउंड पे दोस्तों। लेकिन आपको बता दूँ कि इस फिल्म की हाइप बहुत सॉलिड हो चुकी है। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर अगर ये ऐलान हो रहा है, अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होने वाली है। यहाँ तक कि सिंघम भी क्लैश हो रही है और सिंघम की तैयारियाँ बड़ी सॉलिड से चल रही है। रोहित शेट्टी, रिलायंस एंटरटेनमेंट का बैनर, उस बीच दोस्तों दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ है, ठीक है, हमारा सूर्यवंशी, अक्षय कुमार, सिम्बा, बाजीराव सिंघम, दोस्तों आप खुद सोच सकते हो यार कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनता, यार जनता का इमोशन जुड़ा है यार सिंघम से, नॉस्टैल्जिया जुड़ा है, लोग इस फिल्म को भी देखेंगे। एंड पुष्पा ऑफ कोर्स यार उसकी कहानी के लिए हम सब जाएंगे, अल्लू अर्जुन के लिए जाएंगे। दोनों फिल्में दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कलेक्शंस एक कम करे एक ज़्यादा करे। स्क्रीन्स ऑफ कोर्स यार स्क्रीन्स को लेकर फाइट तो होगी, बट नॉर्थ में मुझे लगता है कि पुष्पा टू एंड ऑफ कोर्स हमारी सिंघम अगेन ये भी चलेगी। एंड लेकिन साउथ में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा जो स्क्रीन्स मिलेंगे वो पुष्पा को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि पुष्पा भैया झुकेगा नहीं। सो दोस्तों कुल मिला के भाई अल्लू अर्जुन छाप छोड़ेगा, और ये फिल्म ऑफ कोर्स जो है प्रोडक्शंस आ रहे हैं अर्ली प्रोडक्शंस पुष्पा टू को लेकर, डेफिनेटली यार लॉन्ग वीकेंड है, हॉलीडे है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो पुष्पा टू है वो ऑलमोस्ट 1100-1200 करोड़ तो जाएगी आराम से। एंड सिंघम अगेन 500 करोड़ के क्लब में ईजिली पहुँच जाएगी। सो वेल दोस्तों ये थी अपडेट पुष्पा को लेकर। एंड पुष्पा 3 कब तक आएगी? हाइप तो बनी पड़ी है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। आज भी पुष्पा रिलीज हो जाए ना तो फर्स्ट डे की ओपनिंग भाई साहब 40 करोड़ तय है। पुष्पा 3 कब तक आ सकती है? तो भैया पुष्पा 3 का काम जो है, ऑफ कोर्स इस फिल्म का अभी थोड़ा बहुत शूटिंग बाकी है पुष्पा 2 का, जो कि चल रहा है सेट पे अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे ही पुष्पा 2 रिलीज हो जाएगी, पुष्पा 3 ऑटोमेटिकली दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के पुष्पा 3 पर प्री प्रोडक्शन जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। हमारे जो इसके डायरेक्टर है सुकुमार, म्यूजिक डायरेक्टर है देवी प्रसाद, एंड ऑफकोर्स मित्री मूवी मेकर का प्रोडक्शन हाउस। मित्री मूवी की याद है ना, सनी देओल की फिल्म भी आ रही है मित्री मूवी मेकर से, तो भैया आप सोच सकते हो बड़ा बैनर है। अभी तो पुष्पा आ रहा है, थोड़े दिनों बाद सनी देओल आके फाड़ देगा भाई मित्री मूवी से, अगर वो आ गया तो। वैसे आना ही है, मास मसाला एक्शन फिल्म आने वाली है, साउथ की बड़ी हिट होने वाली है, ये अपडेट मैं आपको दे देता हूं भाई, ये बोनस पॉइंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 के एंड में ही, जी हां, पुष्पा 3 आएगी। ऑफ कोर्स देखा जाए तो मुझे लगता है कि नवंबर दिवाली के टाइम पे दोस्तों ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि पुष्पा 3 आएगी। सो वेल दोस्तों ये थी अपडेट पुष्पा 3 को लेकर। एंड अगर पुष्पा 3 आती है तो आर यू एक्साइटेड? एंड क्या लगता है सिंघम वर्सेस पुष्पा, यानी कि सिंघम का तीसरा पार्ट, पुष्पा का दूसरा पार्ट, दोनों फिल्म को देखोगे, एक फिल्म को देखोगे, दोनों फिल्मों में से सबसे ज़्यादा कलेक्शंस कौन सी फिल्म करेगी? लाइक कमेंट करके बताओ, किस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाओगे? थैंक यू वेरी मच। एंड किस फिल्म को सपोर्ट करना ये भी बता देना, पुष्पा 2, सिंघम अगेन, या दोनों को सपोर्ट करना है कमेंट करके बताओ। भैया आपके कमेंट ही मैं पढ़ता हूं और आपके कमेंट के हिसाब से ही चलना है हमें। लाइक कमेंट करके प्यार देते रहो अपने भाई रवि चौधरी को। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।